आज है ट्यूसडे और डे है 20 दिसंबर। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस को। आज दो एडिटोरियल हैं और बहुत सारे आर्टिकल हैं। सो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली ना COP15 की समिट हुई थी जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर थी, उसमें कुछ बातें करी गई। तो देखते हैं, नियरली 200 कंट्रीज इसमें आई थी और इसके अंदर ना जैसे पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ था उस जैसा ही अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे कमिंग मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट कहते हैं। सो ये जो अग्रीमेंट है ना, उसके अंदर एक चीज़ बात की 30x30 के बारे में। एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लूँ मैं। तो इसमें ना 30x30 की बात की। ये क्या कह रहा है कि मतलब जो टोटल वर्ल्ड का लैंड है ना, उसका 30% और 30% उसका सी, इतना हमें प्रोटेक्ट करना है, ये बात कह रहे हैं। और दूसरा, इसके अंदर इंडिजिनस राइट्स के बारे में कहा है कि जो इंडिजिनस पीपल है ना, जो विलेज मतलब जो लोग एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, उनको अफेक्ट करे बिना, मतलब उन्हें उनकी जगह से इवैक्यूलेट करे बिना, उन्हें जहाँ रहना है मतलब अगर वो आदिवासी वगैरह हैं तो उन्हें उसी जगह पर रहने दो, उन्हें इवैक्यूलेट ना करो और उधर ही रहने दो, और फिर आप लैंड इसके अलावा लैंड को सेव करो, ठीक। और इसमें फाइनेंस के बारे में बात की है, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, रिच कंट्रीज हैं, उन्हें $20 बिलियन पर ईयर देना पड़ेगा 2025 तक, और एटलीस्ट लिखा है इसमें एटलीस्ट, और $30 बिलियन एवरी ईयर देना पड़ेगा 2030 तक। एटलीस्ट इतना देना ही पड़ेगा। ये फंड क्यों दे रहे हैं ये लोग ये फंड? आपको पता हो तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ना, वो इन्हीं लोगों ने लाया था, और इन लोगों ने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन किया ना कि इसका रीज़न आज हम आइस के मेल्ट होने से देख सकते हैं। वाटर लेवल बढ़ रहा है, इनफैक्ट जो इंडोनेशिया की कैपिटल थी वो भी चेंज कर दी गई, मतलब चेंज करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें इन लोगों की मेहरबानी से थी, इसीलिए ये लोग फंड देंगे। ये बातें की गई इसमें। और फिर इसके नेक्स्ट, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट वैसे इम्पॉर्टेंट है मतलब ऐसे बातचीत करने में। क्यों? क्योंकि जो ना ट्विटर को अभी इलॉन मस्क ने ले लिया था। सो उन्होंने ना एक वोटिंग करवाई कि क्या, उन्होंने ये पूछा कि मैं, रुको मैं आपको पूरा ना उसका टेक्स्ट पढ़ाती हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। हाँ, शुड आई स्टेप डाउन एज हेड ऑफ ट्विटर? उन्होंने कहा कि क्या मैं ट्विटर के हेड से स्टेप डाउन कर दूँ, मैं ट्विटर का जो हेड वाला पोजिशन है वो छोड़ दूँ। तो उसकी पोल्स में देख लो आप, 757 लोगों ने कहा हाँ छोड़ दो। सो यही हुआ है। तो इलोन मस्क से उन्हीं के ट्विटर पे लोगों ने कहा कि हाँ छोड़ दो, तो उस पोल में ये आया, इलोन मस्क का मुँह देखा का देखा रह गया। चलो फिर नेक्स्ट है ना, कर्नाटक के अंदर ये वापस बेलागावी जो विवाद था उस पर बात हुई। अब आप पूछोगे बेलागावी क्या है, तब ये देखना इमेज, ये इमेज देखो, ये जो दिख रही है ना, ये बेलागावी है जो अभी कर्नाटका का पार्ट है। अब आप पूछोगे डिस्प्यूट क्या है, एक्चुअली ये जो बेलागवी है ना, इसमें 80% लोग मराठी स्पीकिंग है, तो महाराष्ट्र कहता है ये हमारा पार्ट है, इसे हमें वापस दो। वेरेज जो कर्नाटक कहती है नहीं, ये हमारा पार्ट है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ने कह दिया कि ये हमारा है तो ये हमारा है। अब देखो, महाराष्ट्र कहता है कि मराठी स्पीकिंग है इसलिए हमें दो, और केरला ये कर्नाटक कहता है कि हमारा है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन में हमारा है। इसके ऊपर ना काफ़ी सारी कमिटीज भी बैठी, जैसे कि महाजन कमेटी बैठी थी 1966 में, जिसने बात तो करी और रिजोल्यूशन भी लाया, बट दोनों में से एक भी स्टेट माना ही नहीं, हेंस उस कमेटी का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब जजमेंट पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, अब क्या आएगा ये सुप्रीम कोर्ट का पता, ठीक है। अब ये तो था फर्स्ट पेज के ऊपर, ये आपका, एक सेकंड रुकना, ये आपका इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट से GS3, ये कहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका इम्पोर्टेंट है सेंटर स्टेट रिलेशन, सॉरी इंटर स्टेट रिलेशन GS2 फेडरलिज्म के अंदर, ठीक। अब ना बाद में पेज नंबर 6 पे जाएं, तो पेज नंबर 6 पे ये दो एडिटोरियल हैं, एक तो ये इंडिया का रोल वर्ल्ड वाइड वेब में, और दूसरा ये वाला क्रिमिनलाइजिंग कॉन्सेक्शुअल रिलेशनशिप। अब ये ना लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले आर्टिकल्स कवर कर लेते हैं। अब पेज नंबर 10 के ऊपर ये है स्टेटमेंट आई है कि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप बस पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, कि 80% जो है ना इंसर्जेंसी वो कम हुई है नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा मिनिस्टर ने कहा है। कौन सा मिनिस्टर? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने। तो इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से भी कम हुई जो ये जो क्या कहते हैं टेररिज्म वगैरह, जम्मू कश्मीर से भी कम हुई और नॉर्थ ईस्ट से भी कम हुई। कैसे कम हुई? ये जो ऊपर आया है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सभी की वजह से ये कम हुई है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये सारे ना
प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ हैं, डिटेंशन के हैं, तो ना इसमें बिना वैसे नॉर्मल जैसे आप जेल में डालते हैं ना उसके अलावा भी डाल सकते हैं, ये सारे टेररिस्ट वगैरह पे लगते हैं। तो इसी में है इंसर्जेंसी कम हुई है, 80% डिक्लाइन हुई है नॉर्थ ईस्ट में, स्टेटमेंट है खाली। फिर आगे देखें तो लोकसभा में एक बिल लाया गया ST कमेटी बेटा कोरबा के बारे में। तो ये ना एक खाली एक बात याद रखनी है आपको, कर्नाटक की है। अब ये पास हो जाएगा तब वापस ये आर्टिकल आएगा ही, पास होगा नहीं होगा तो आएगा आर्टिकल, न्यूज़ में बना ही रहेगा। सो आपको बस ये याद रखना है कर्नाटक की है। उसके बाद ये बैन किया है, जो बैन किया था ना सीन फिशिंग को, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन जो है ना वो जस्टिफाइड नहीं है। अब आप कहोगे ये सीन फिशिंग क्या होती है? सीन फिशिंग ना एक टाइप का वाइड नेट होता है, बड़ा सा चौड़ा सा नेट होता है जो किसी एक फिश को टारगेट नहीं करता, बाकी बहुत सारी फिशेस को टारगेट करता है, ठीक। और ये 12 नॉटिकल माइल्स जो सी लाइन है उससे भी आगे तक बिछाया सकता है। अब नहीं समझ आया होगा ना, रुको मैं एक इमेज दिखाती हूँ। ये रहा देखो, ये किसी एक शिप सॉरी एक फिश को तो टारगेट नहीं कर रहा ना, बहुत सारी फिशेस हैं, इन सारी फिश को टारगेट कर रहा है। तो इसलिए ना जब ये नेट डालते हैं तो इस नेट से काफ़ी दिक्कत भी रहती है कि क्या हो अगर इधर एक टर्टल हो वो भी चला गया। अभी रिसेंटली बात करी थी ना ऑलिव रेली टर्टल, ऑलिव रेली टर्टल वैसे इतनी कम पॉपुलेशन हो गया तो इसमें वो भी गया, और कुछ भी कोई मराइन एनिमल वगैरह कुछ हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये मराइन इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, फिश पकड़ो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मराइन एनिमल्स का क्या, उन्हें अफेक्ट कर रहा है। इस वजह से ऐसा कहा था कि इसे बंद कर दो, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सो यही बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये जो बैन है इसे जस्टिफाई कहा कि ये जस्टिफाइड नहीं है। अब आपको एक चीज़ प्रिपेयर करनी है, वो है फिशिंग सेक्टर, इम्पॉर्टेंट है आपके GS 3 से। तो अब आप जो मैं बोल रही हूँ ना वो आप बस सुनते चलना। देखो 30 से 60 मिलियन जो पीपल हैं ना वर्ल्ड में वो डिपेंडेंट हैं, या हम कहें तो इन्वॉल्व हैं फिशरी इंडस्ट्री से, हाँ। और जिनमें से भी 50% है ना वो खाली वुमेन है, सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। एंड ये जो फिशरी सेक्टर है ना इंडिया के लिए फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इंडिया जो है ना फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिशरी का। और तो और जो टोटल एक्सपोर्ट है ना वो इंडिया 10% करता है टोटल वर्ल्ड में एक्सपोर्ट फिशरी में, और इंडिया की GDP में ये 1% है। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, GDP बहुत बड़ी रकम होती है किसी कंट्री की, उसका 1% बहुत है। तो ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिशरी, और इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लगाए हैं इसे बढ़ाने के लिए, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन वगैरह लाए थे। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाए थे, उस वो थी। फिर दूसरा ब्लू रिवॉल्यूशन मैंने भी बताया ही, ये सारी स्कीम्स आई थी फिशिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। एक्चुअली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का तो ये टारगेट था कि 22 मिलियन टन तक फिश हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे 2024 और 2025 तक, जो 55 लाख लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट देगा। मतलब इतनी ह्यूज आप फिशेस जनरेट करोगे, मतलब जनरेट तो नहीं कह सकते, आप लोगे निकालोगे समंदर में से तो इतने सारे लोग तो चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, दूसरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और GDP में कंट्रीब्यूशन होगा, ट्रिपल फायदे। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यही था इसके अंदर। देन हाँ फिर से आ गया LGBTQ कमेटी के बारे में। एक्चुअली ना ये जो है ना, एक्चुअली मैंने ये पता क्यों उठाया, क्योंकि मैंने कल न्यूज़ में सुना कि मोदी ने कहा कि ये हैवॉक है सेम सेक्स मैरिज। तो आई वाज लाइक मोदी जी ऐसा क्यों कहेंगे, मैंने इन शॉर्ट में पढ़ा। देन मैंने पूरा वो न्यूज़ आर्टिकल देखा ना, उसके अंदर आया सुशील कुमार मोदी, आई वाज लाइक ये दूसरे मोदी जी हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने ये कहा कि इसमें थोड़ा ही दिया, इन्होंने ये कहा कि 2 जज की बेंच इनफ नहीं होगी, ये बहुत हैवॉक है, बड़ी बेंच बैठाओ और इस पर जल्दी से जजमेंट लाओ, ऐसा कुछ कहा था। तो हैवॉक मतलब भयावह, सो इन्होंने ऐसा ही कहा था। तो आपको ना इनके स्टेटमेंट पढ़ने के कुछ नहीं होने वाला, आपको LGBT कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए। ये ना थर्ड जेंडर होती हैं, एक सेकेंड मैं इमेज दिखाती हूँ। हाँ ये जो LGBT कम्युनिटी है ना, जब ब्रिटिश का एरा था ना, ब्रिटिश के एरा के टाइम पे आर्टिकल 377 को क्रिमिनलाइज किया था। मतलब अगर कोई भी पर्सन गे है, लेस्बियन है, या ट्रांसजेंडर सॉरी गे या लेस्बियन है, या LGBT कम्युनिटी में से कोई भी है, तो ना उसे और ऐसा काम करते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल में डाल देते, क्रिमिनलाइज था ये सेक्शन 377, ठीक। अब इसे ना
डिक्रिमिनलाइज पता कब किया? अभी रिसेंटली हुआ था, 2018 में शायद हुआ था, ऐसे ही कुछ हुआ था। हाँ मे बी 2018 में ही हुआ था, इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। सो इसी के बारे में है। अब इसके अंदर क्या क्या कौन कौन आते हैं ये देख लो आप। LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीरी, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल और प्लस, और भी याद गए तो और भी, ठीक है ये सब है। आगे बढ़ते हैं, ये ला देखो। अब पेज नंबर 12 पे है। रिसेंटली ना आपने न्यूज़ में सुना होगा कि राहुल गांधी जी की ट्वीट आई थी कि हमारे जवानों को पीटा है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कहा, मतलब पार्लियामेंट ने कहा कि ये जो वर्ड है ना पीटा, बहुत अभद्र वर्ड है, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ ना करो, हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको, उनकी फीलिंग को अफेक्ट करेगा और ये इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करेगा क्योंकि वो हमारे जवान हैं। सो एस जयशंकर ने ये कहा एंड इसी के बारे में है ये स्टेटमेंट है। एज ए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, तो इसे पढ़ के कुछ नहीं हो रहा। फिर ये, हाँ ये अच्छा है, इसे आप ना लिंक कर सकते हो पेंडेंसी ऑफ केसेस से। कौन से? सुप्रीम कोर्ट ने 6,644 केसेस क्लियर कर दिए ये चंद्रचूड़ जी आए तब से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस टॉपिक इसमें आ जाता है। पेंडेंसी ऑफ केसेस क्या होता है? कितने केसेस पेंडिंग हैं इंडिया के अंदर? ना 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं आज की डेट में। तो इतने केसेस डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं उसके बाद से सॉल्व हुए, इसी के बारे में है। तो आपको ये तो नहीं पढ़ना कितने केसेस सॉल्व हुए, आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपसे पूछेगा पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में। तो थोड़ा स्टेटिक पार्ट कवर कर लो कि इंडिया के अंदर जैसे मैंने बताया 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। अब पेंडिंग क्यों है? अब इसका फर्स्ट रीज़न है लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो। इंडिया के अंदर जो जजेस हैं ना वो बहुत कम है, पर इस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे केसेस आते हैं। सो पहला तो ये समझ में आ गया लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो। दूसरा इसका रीज़न है ये जो वैकेंसीज हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 30% जो जुडिशरी में वैकेंसीज हैं ना वो खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि जुडिशरी देती है जजेस का नाम एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव कई बार अलाउ कर देती है कई बार नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ना वो कहती हैं कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो इधर भाई भतीजावाद होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेपोटिज्म होता है, इसीलिए ये अलाउ नहीं करती। ये कहती है कि NJAC लाओ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाओ, और जुडिशरी मना कर देती है, नहीं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है, हेंस लाती नहीं है। और फिर और रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर का रीज़न, थर्ड रीज़न इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया। और कोरोना की वजह से बैकलॉग आ गया था क्योंकि काफ़ी सारे केसेस उसमें अटक गए थे। तो ये सारे हैं कुछ बातें पेंडेंसी के बारे में। अब इसका ना रिजोल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एक सेकेंड, हाँ अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा देखो, कल ही के एडिटोरियल में मैंने डिस्कस किया था इसका वे फॉरवर्ड, बट और देखना हो तो पहला तो लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो इंक्रीज करो, जजेस को ज़्यादा अपॉइंट करो, ठीक। सेकेंडली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत आ रही है, आप ऑनलाइन वे में चले जाओ, ठीक, ऑनलाइन वे में चले जाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं। फिर थर्ड, आप ना जो जजेस की रिटायरमेंट है ना उसे कम कर दो, मतलब इतने जल्दी जजेस रिटायर हो रहे हैं थोड़ा लेट कर दो, या तो जो जजेस रिटायर हो गए हैं उन्हें वापस बुला लो और जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी सुनवाई करो। फिर फोर्थ, मीडिएशन कराओ। मीडिएशन मतलब ऐसे बीच का रास्ता नहीं होता, वो निकलवाओ सॉरी। एंड जो छोटी छोटी कोर्ट्स होती हैं ट्रिब्यूनल जैसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऐसी सारी कोर्ट्स एस्टैब्लिश करो। सो ये है इसका वे फॉरवर्ड। एक आपका दो, एक पेंडेंसी ऑफ केसेस कवर हो गया, दूसरा ये रिसेंट पार्ट देख लिया। अब बात करते हैं ये अच्छा लगा मुझे एक्चुअली ना, फिनलैंड की जो इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्टर है ना, उन्होंने कहा कि हमें इंडियन नर्स चाहिए, इन हमारे यहाँ जो स्किल लेबर है उसकी शॉर्टेज है, सो प्लीज़ आप भेजो इंडिया से, कहा। इनका जो सेंटेंस है ना वो बड़ा प्यारा है, वी सी दैट इंडिया हैज़ सच अ पूल ऑफ प्रोफेशनल टैलेंट दैट वी नीड इन फिनलैंड, वी नीड मोर वर्क फोर्स, वी नीड टैलेंट, वी नीड प्रोफेशनल स्किल्ड पीपल, इफ वी वॉन्ट टू एंटर फिनलैंड आई सी दैट इट इज़ वेलेबल फॉर बोथ द साइड्स ऑफ पीपल गो अब्रॉड। सो इन्होंने ये कहा कि इंडिया से स्किल्ड मैन पावर आए जो और हमारी कंट्री में आए वगैरह वगैरह। अब फिनलैंड को मैन पावर क्यों जरूरत है? क्योंकि इसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना वो 5.5 मिलियन पीपल की है, वेर इधर वर्क खाली 1.5 मिलियन पीपल करते हैं।
इनफैक्ट यहाँ की जो कंपनीज है ना उसमें 70% जो कंपनीज है ना वो शॉर्टेज फील कर रही हैं किसका, एम्प्लॉयमेंट्स का, सॉरी स्किल्ड लेबर्स का. स्किल लेबर की बात कर रही हूँ, अनस्किल्ड की बात नहीं कर रही हूँ. नहीं आप सोचो, स्किल्ड की बात कर रही हूँ मैं. और इन्होंने कहा कि अगर वहाँ से इंडिया से लोग आ जाएंगे तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 4% अपनी GDP का खर्च करने के लिए रेडी हैं. सो यही है इसके बारे में. और तो आगे कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, बट अब बात करते हैं एडिटोरियल्स की. सो पहला है ये ओपिनियन के पेज पे, क्रिमिनलाइजिंग ऑफ कॉन्सेक्चुअल रिलेशनशिप. ये जो दो ऑथर्स हैं इन्होंने लिखा है, इन्होंने ये बात की है कि पोस्को का ना मिसयूज़ हो रहा है. कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर जो पोस्को के अंदर क्या है, पहला पोस्को के बारे में जान लो. पोस्को ना जो बच्चे हैं अंडर 18 उनके लिए लाया था 2012 में लाया, जिसमें अमेंडमेंट की 2019 में. और इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन है चिल्ड्रन का फ्रॉम सेक्शुअल असल्ट, सेक्शुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफिक ऑफेंस और इन सारी चीज़ों के बारे में. अब ये जो है ना, मतलब पोस्को जो है ना वो जेंडर न्यूट्रल है. और जो भी, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, अंडर 18 हो ना, तो उनके खिलाफ पोस्को के अंदर कोई भी केस, मतलब उनके साइड से पोस्को के अंदर कोई भी केस अपील कर सकता है. और यही है पोस्को के बारे में. तो इसमें ना ये कहा कि जो ये रोमांटिक केसेस होते हैं ना, मतलब जो कॉन्सेक्शुअल सेक्स जिनके साथ होती है ना, वो पोस्को के अंदर नहीं लाने चाहिए. अब इसको ये समझो कि अगर दो इंसान एक दूसरे से, भले वो अंडर 18 ही क्यों ना हो, दो इंसान अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं फिर उनके साथ जो कॉन्सेक्शुअल सेक्स होता है उसे इसके अंदर नहीं लाना चाहिए. मिसयूज़ है पोस्को का, ऐसा ये ऑथर कह रही हैं, ये दोनों लड़कियाँ कह रही हैं. कि जो 24.3% जो टोटल रजिस्टर्ड केसेस है ना 2016 से 2022 के बीच में असम, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में, वो कॉन्सेक्शुअल सेक्स के थे. रोमांटिक केसेस थे ये जो पोस्को के अंदर लाए गए. और ये अनलॉफुल क्यों है, क्योंकि इसमें ना जो गर्ल चाइल्ड होती है ना उसकी फैमिली मेम्बर जाके किस कर देते हैं, और जबकि ये जो रिलेशन था ना वो दोनों की मर्जी से था. सो फैमिली की जो हॉनर होती है ना, मतलब सम्मान जो होता है ना फैमिली का, एक सेकेंड, हाँ चल रहा है. सो फैमिली का जो सम्मान होता है ना, इसे बचाने के लिए वो बॉय की जो फैमिली होती है ना उसके अगेंस्ट में केस कर देते हैं, एंड फिर सफ़र करता है वो लड़का. हेंस इसी के बारे में कहा कि ये जो है ना वो सही नहीं है. क्यों, क्योंकि ये जो वायलेशन है उस बच्चे की राइट्स का, उसकी प्राइवेसी का, उसकी डिग्निटी का, उसकी राइट टू लाइफ का, है ना. तो इसके लिए इन्होंने ये पूरा लिखा. एंड आगे बात करें तो इन्होंने कुछ डेटास भी दिए हैं. जैसे जो रोमांटिक केसेस होते हैं ना वो अराउंड 1.5 से 2.5 साल तक चल जाते हैं, इतने ज़्यादा चलते हैं. और तो और इनकी वजह से ना जो बाकी जो एक्चुअल पोस्को के जो केसेस हैं जो लिटरली सही नहीं होते, ज़बरदस्ती करके किए जाते हैं, सो उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, वो पेंडिंग रह जाते हैं. और तो और ये डेटा दिया है कि 2021 में 92.6% जो केसेस थे ना इसके अंदर वो ऐसे थे. एंड और तो और 93.8% जो इसमें केसेस थे वो इक्विवेलेंट रेट पे, मतलब वो ना सुलझ गए थे, ना लड़के को पनिशमेंट मिली ना लड़की को, ऐसे थे. तो इसी के बारे में बात की है. एंड जो विक्टम था ना 46.5% जो केस थे ना उनमें दोनों की शादी करवा दी गई थी. हेंस ऐसे केसेस देखने गए. तो और सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पर कहा भी है, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, विजया लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रिपब्लिक 2021 महाराष्ट्र हाईकोर्ट की स्टेटमेंट है कि एडोलेंस रोमांस इज अ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल मार्कर फॉर एडोलेंस सेल्फ आइडेंटिटी फंक्शनिंग एंड कैपेसिटी ऑफ इंटीमेसी. मतलब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये उनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और उनके लिए है. सो ऐसे केसेस ना लाए जाएँ, ये कह दिया है, फिर भी ऐसे केसेस आते हैं. सो ना इस पर इन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, एक अर्जेंट वो चाहिए, अर्जेंट नीड चाहिए कि इन केसेस को ना क्रिमिनलाइज ना किया जाए, इन्हें क्रिमिनलाइज ना किया जाए क्योंकि ये कंसल सेक्स हैं. अब वे फॉरवर्ड क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो एडोलेसेंस को, मतलब जो अंडर 18 हैं उनके बारे में, एंड उन्हें नॉलेज दो कि मतलब लोगों को अवेयर करो इन सारी बातों के बारे में. और अमेंडमेंट लाओ इंडियन पीनल कोड और IP पोस्को के अंदर कि ऐसे जो रिलेशन है ना उसे क्रिमिनलाइज ना करो, डीक्रिमिनलाइज करो ऐसे रिलेशंस को, ऐसा ऑथर कह रही हैं. और जो 16 से
ज़्यादा हो और 18 से कम हो उन्हें, मतलब कंसल्टेशन तो ठीक है पर जो नॉन कंसल्टेशन है ना उनके ऊपर जल्दी से सुनवाई करो, ऐसी ये बात कर रही हैं। सो यही है पूरे एडिटोरियल में। अब एक एडिटोरियल इसके ऊपर है पेज नंबर 6 पे। सो ये है ना वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, आपको लगे तो ठीक है मैं पढ़ जाती हूँ और क्या। सो इन्होंने एस जय शंकर जी ने ना एक बुक लिखी थी उसके बारे में है। एस जय शंकर जी कह रहे थे कि वर्ल्ड इंडिया है ना हेल्प कर सकती है वर्ल्ड को डीपोलराइज करने में। अब डीपोलराइज मतलब जैसे ये अर्थ है इसके ऊपर ना इधर यूएसए ले लो है ना, ये साउथ अमेरिका और ये मेरी ड्राइंग का प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी ले लो ये ना यूएसए है, समझो यूएसए है। तो यूएसए ये कहता है कि हम वर्ल्ड लीडर हैं, हम जो कहेंगे वही करो है ना, बट सब सॉवरेन है ऐसा थोड़ी होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो पोलराइजेशन है, यूएसए कह रहा है कि हम वर्ल्ड लीडर हैं, इधर चाइना कह रहा है हम हैं, इधर रशिया कह रहा है हम हैं, इन सारी चीज़ों के हटा के आप डीपोलराइज कर दो वर्ल्ड को और ना सबको एक जैसा रखो, सब एक से हैं, कोई किसी का लीडर नहीं है ना, वर्ल्ड लीडर कोई है नहीं। इंडिया वर्ल्ड को डीपोलराइज करने में हेल्प कर सकता है। एंड फिर आगे बात करें ना तो इसी के ऊपर ना एस जय शंकर जी ने एक बुक लिखी थी पैक्स एंडेगा, मतलब इंडिया एंड द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी, उसका कई लोगों ने टाइटल अलग से लिया। एंड उसमें मतलब इंडिया उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरा इस टाइटल का मतलब ये नहीं था, और कई लोगों ने इसे अलग तरीके से लिया। एंड एस जय शंकर जी ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इंडिया फ्यूचर में वर्ल्ड लीडर बनेगा और नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। इनफैक्ट इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो भी ये कहती है कि हम वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज़ आर फैमिली, ऐसा मान के चलता है। सो ना इसके ऊपर ये जो पर्सन है ना शशि थरूर जी, कहाँ गए इनकी फ़ोटो दिखाएं हम, ये पर्सन ये कौन है, शशि थरूर जी थर्ड टाइम लोकसभा के MP रह चुके हैं, तिरुवनंतपुरम के हैं एंड काफ़ी फेमस हैं ये। तो एस जय शंकर जी की इस बुक पे ना इन्होंने थोड़े कमेंट वगैरह किए और ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर क्या होता है। पहले तो इन्होंने स्टार्टिंग ही की, क्वेश्चन पूछ के कि वर्ल्ड लीडर क्या होता है, क्या वो होता है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वर्ल्ड लीडर कौन सी कंट्री रहती है, वो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो या जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या जो न्यूक्लियरली कैपेबल हो या जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो, क्या होता है। अब रही बात पॉपुलेशन की तो हम एक दो साल में चाइना को पीछे छोड़ देंगे, और मिलिट्री स्ट्रेंथ की तो हम काफ़ी कैपेबल हैं, अपनी वर्ल्ड की शायद थर्ड या फोर्थ मिलिट्री में कैपेबल कंट्री हैं। और रही बात न्यूक्लियर कैपेसिटी की तो ये तो हमने 1998 में ही मिल गई थी। और रही बात इकोनॉमी की तो हम अब यूरोप को यूके को पीछे छोड़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही चुके हैं। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया थे तो ये तो हमने सारे फॉलो कर लिए हैं है ना, तो यही बात की। बट एक्चुअली ना वर्ल्ड पावर इससे कई अलग बात है, बहुत अलग है। अब इसके बारे में आगे कहते हैं शशि थरूर जी, आपको ग्रेट पावर तो बनना है बट 21st सेंचुरी में आप ये नहीं देख रहे कि कितने लोगों को आपके यहाँ खाना मिल रहा है, आपको कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, 21st सेंचुरी में क्या आपका पोटेंशियल है। ऐसे ऑब्वियसली अपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस की है तो क्रिटिक्स तो करेंगे ही, सो ऐसी बातें कर रहे हैं। एंड इन्होंने और भी काफ़ी सारी बातें की कि हाँ आप जो कहते हो ना कि डाइपोलराइज रहना है, पर आप क्या कर रहे हो, मल्टीपोलराइज रह रहे हो। मल्टीपोलराइज कैसे, कि आप ना काफ़ी सारी ग्रुपिंग्स में जुड़ रहे हो, जैसे कि RIC इंडिया रशिया इंडिया चाइना, फिर दूसरा है ब्रिक्स ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, फिर दूसरी और भी सारी हैं बेसिक, और ये सारी जो ग्रुपिंग्स हैं इनमें आप जुड़ रहे हो, पर कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं आपके जाने से, शशि थरूर जी कह रहे हैं इस पैराग्राफ में। एंड काफ़ी सारे पैराडॉक्स क्रिटिकल बातें कर रहे हैं। एंड इन्होंने कहा अब ट्रेड यूनियन का भी पार्ट हो, G77 G20 का पार्ट हो, बट इससे ज़्यादा कुछ अफेक्ट कर नहीं रहा आपको ना, और आगे सोचना है इन जो ग्रुपिंग्स में ना आपको कैसे आप ऐसे मेंबर बनो कि ये ग्रुप्स आपके बिना चल ही ना पाए, ऐसी बातें कर रहे हैं ये। एंड यही था इसके बारे में। सो यही थी आज की कंप्लीट एनालिसिस, हो गया न्यूज़पेपर एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सो देखो फर्स्ट पेज पे COP15 के बारे में बात की, इसमें से ये याद रखना 30x30 ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। और दूसरा ये बेलागवी डिस्प्यूट, ये आपके GS2 में इम्पॉर्टेंट है, IR में, ये GS2 के फेडरलिज्म में इम्पॉर्टेंट है। फिर एक सेकेंड, हाँ फिर आगे गए तो हमने ये आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कस किया है ना, फिर ये एडिटोरियल डिस्कस किया, ये GS2 के पोस्को के अंदर है,
फिर आगे जाएं तो पेज नंबर 10 पे हमने इंसर्जेंसी डिक्लाइन हुई इसके बारे में देखा। फिर ये कमेटी को एसटी में डालने की बात की, फिर फिशरी के बारे में बात की। इसके बाद इसके अंदर एस जय शंकर ने जो कहा है ये जवानों के बारे में कि आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए वो, फिर चंद्रचूड़ जी ने इतने केसेस सॉल्व किए इनके आने के बाद, पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में बात की हमने और ये बात की। होप्स आपको अच्छा लगा हो आज का डिस्कशन। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।